बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको, धन्यवाद। फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने टॉप किया है, किस तरह से क्या है बताएं। सर पहले तो ये कहूँगी कि यूपीएससी देना एक या आईएएस बनना कहूँगी एक बचपन का सपना था, चाइल्डहुड ड्रीम। तो जब बड़े हुए और कॉलेज में आए, थोड़ा जाना इस बारे में कि कैसे क्या होती है परीक्षा, किस सर की पढ़ाई होती है, क्या क्या सिलेबस में होता है, तो वो पढ़ने के बाद, जानने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगा एंड लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसे टच्ड फील किया और इस लाइन में आने की डिसाइड किया। और कैसे, जैसे मैं आऊँ अगर उस पर कि कैसे मैं कर पाई, तो आई थिंक हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, 5 से 6 घंटे देना हर रोज़ डिसिप्लिन के साथ, और खुद पे एक भरोसा रखना कि हाँ हम कर सकते हैं और लिस्ट में आ सकते हैं। तो वो भरोसा मेरे ख्याल से बहुत, आई थिंक 50-60% वही काम कर जाता है। अभी आपकी महिलाओं की ओर से फिफ्थ रैंक पे क्या खुश हो? जब मुझे पता चला कि मेरी फिफ्थ रैंक आई है, जाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर हूँ, तो मैं थोड़ी सी वो हुई क्योंकि पिछली बार से देखा जा रहा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पे हमेशा कोई ना कोई लड़की या महिला रहती है, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा और बेटर अगर मेरी रैंक हो पाती तो मैं सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट उनके उससे वो आ पाती, उस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, बाकी ओवरऑल तो काफ़ी खुश हूँ रिजल्ट से। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? सफलता का श्रेय यूपीएससी में, सफलता यूपीएससी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, 1-1.5 साल तक आप उस एग्ज़ाम में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे मम्मी पापा सबसे पहले जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जो भी प्रॉब्लम्स आई हमेशा मोटिवेट किया, मेरे कुछ खास फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, जिनसे मैं कनेक्टेड रही और कभी भी दिक्कत होती थी मुझे हमेशा विश्वास दिलाते थे कि मैं कर पाऊँगी, और मेरे भाई, फैमिली मेम्बर्स, और जो भी टीचर्स मेंटर्स रहे हैं जिनकी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली या जो भी जिनसे पढ़ा, वो भी उनको भी मैं श्रेय देना चाहूंगी इसके रिजल्ट का। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कब किया, कहाँ से किया, अपनी एजुकेशन के बारे में? मेरी स्कूलिंग सबसे पहले तो बताऊंगी, कामिल कॉन्वेंट स्कूल BHEL से हुई है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया LNCT से केमिकल इंजीनियरिंग में, और मैं 2018 यानी लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई हूँ, और उसके बाद बस मैंने परीक्षा दी और भगवान की दया से उत्तीर्ण हुई। बचपन से ही आपका ड्रीम था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अच्छा आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, उसके बाद फिर एकदम चेंज कर दिया अपनी यूपीएससी की तैयारी का? जी लाइन चेंज नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि दिमाग में था, बट ऐसा था कि ग्रेजुएशन में आप इंजीनियरिंग कर लें, ऐसा चलता है ना कि आप इंजीनियर बन जाएंगे तो थोड़ा एक सिक्योरिटी ऑफ वो हो जाता है, उस वजह से इंजीनियरिंग लाइन में गई। बाकी एक डायरेक्शन और सपना तो सिविल सर्विस के लिए ही था, और फिर उसको मैंने परस्यू किया अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ। पढ़ाई कई मेहनत कई लोग करते हैं, कईयों का फर्स्ट होता है, कईयों का फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होता है, लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको निकाल लिया, पास करा है, टॉप किया है, तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो इनका 1-2 बार रहते हैं फिर रुक जाते हैं 1 नंबर से, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस तरीके से तैयारी करें कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप करें? देखिए पहली बात तो मैं ये कह दूंगी कि जितने लोग इंटरव्यू देते हैं, जैसे इस साल 1994 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, मैं कहूँगी कि सब लोग जो हैं इक्वली नॉलेजेबल रहते हैं, बस थोड़ा सा 19-20 का मैं कहूँगी फ़र्क होता है, क्योंकि जो कोई भी वहाँ पहुँचता है उसने बहुत काफ़ी पढ़ाई की होती है, काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और किए होते हैं तब वो पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी जो भी छोटी सी मैं एक वो दूंगी, मतलब यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा सा पढ़ें लेकिन हर रोज़ पढ़ें, बिना डरे पढ़ें, क्योंकि हम जैसे मैं, मेरे फैमिली में किसी ने भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई नहीं है, तो ऐसे लगता है कि हम दे रहे हैं क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन खुद फिर भी खुद पे एक भरोसा रखें और सही डायरेक्शन पकड़ें। इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारा मटीरियल है, तो आप UPSC सिलेबस को रेफ़र करें, पास्ट या क्वेश्चन पेपर्स को देखें कैसे क्या पढ़ाई की जाती है, और उसी को अपना मार्गदर्शक बनाएं, और उसी से मेरे ख्याल से होगा आगे। अब आप क्या है कि क्षेत्र में ज़्यादा सोचती हैं कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जी मतलब आपने कुछ ऐसा प्लान किया होगा या फिर के साथ तो मन में है क्या भावना है? मेरे मन में तीन चीज़ें हैं, तीन फील्ड्स हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि हर, मतलब उसमें मैं काफ़ी काम करूँ। पहला तो महिला सशक्तिकरण का, महिला खुद हूँ लेकिन उसके अलावा भी मैं कहूँगी कि महिलाओं की दशा थोड़ा और सुधारना, उनको और एम्पावर करना। दूसरी जो चीज़ है जो मेरा फोकस मैं कहती हूँ वो है एजुकेशन। एजुकेशन हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा यूथ है, अच्छे से पढ़ेगा तो कंट्री भी आगे बढ़ेगी। और तीसरा जो मैं कहूँगी
आई थिंक ये दो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। कई बार शिकायत करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग को मिलते हैं और अक्सर हम खबर देखते हैं कि बच्चे जो मोबाइल में जो एडिक्ट हो जाते हैं, इसमें गेम में या फिर व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो जी जाए, तो जी उसकी वजह जी से जी कहीं ना कहीं पढ़ाई छूट जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है एस्पिरेंट्स के लिए भी और जनरल बच्चों के लिए भी। अभी हुआ ये सर, इंटरनेट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने भोपाल से पढ़ाई किया, इंटरनेट में काफ़ी टाइम गुजारा, उसी से पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे। लेकिन वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है, तो हमें ये ध्यान रखना है, पढ़ते हैं तो कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहें, और बच्चे हैं तो गेम्स एंड ऑल से तो दूर ही रहें। थोड़ा बहुत तो चलता है, डेफिनेटली हम रोबोट्स नहीं हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन उसके अलावा हम ध्यान रखें कि हमारा जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया है, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसे उसके लिए निरंतर प्रयास करें। सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी श्रुति, अगर आपसे पूछूं कि आपने टॉप किया है तो आप किस तरीके से, वो कितना वक्त देती थी पढ़ाई के अलावा? सोशल मीडिया साइट पे तो मैं नहीं रही जब मैं पढ़ाई कर रही थी। व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक वगैरह पे नहीं थी ज़्यादा, और बाकी मैंने नहीं ज्वाइन किए थे। तो मेरे लिए मैंने ये बनाया था कि पहला प्रयास है मेरा, अंतिम प्रयास है, मुझे इसी में ही निकालना है। वो एक अंदर से था कि नहीं, अगर पहला है तो देना है, तो इसलिए फिर एक मोटिवेशन भी आया और नहीं किया फिर मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट चलिए पर। पहला भी अंतिम भी सफलतापूर्वक जी प्रयास जी के लिए आपको बहुत थैंक यू बहुत सो मच, शुभकामनाएं। थैंक यू।